दिल्ली दंगों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं दंगों को लेकर और साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को डराकर राजनीति करना चाहती है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं होगा और अब देखिए दिल्ली में दंगे भड़के और सरकार सुरक्षा तक नहीं दे पाई। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सरकार अगर चाहती और पुलिस अगर चाहती दिल्ली की तो ये दंगे कभी नहीं हो सकते थे। 1 लाख से ज़्यादा पुलिस के कर्मचारी अधिकारी और जवान होंगे दिल्ली में, एक लाख से लगभग। और बताइए दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पाए, इतने बड़े दंगे भड़क गए। सरकार यही तो कहती थी कि हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को डरा के राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैला करके वोट का लाभ लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान या धर्मों में दूरियां कैसे बने उसको बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी समाज का ताना बाना जो हमारी संस्कृति सदियों से बनी, हम एकजुट एक साथ मिल करके रहते हैं, उस ताने बाने को भाईचारे को ख़त्म करके राजनीति करना चाहते हैं। वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं और विकास की बहस भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि तमाम चीज़ें वो छिपा रहे हैं। आज आरक्षण खत्म हो गया, वो जानते हैं कि अगर दंगा होगा तो आरक्षण पे बहस नहीं होगी। वो जानते हैं दंगा हो जाएगा तो कोई जाति जनगणना की बात नहीं करेगा। अगर दंगा हो जाएगा तो सड़कें कहाँ बन रही हैं, कहाँ गड्ढे भर रहे हैं नहीं पूछेगा कोई। क्या दंगा में आज कोई रोजगार की बात करेगा?